खरगोन जिले में फोटोग्राफर संघ ने जिला कलेक्टर को अपनी समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान फोटोग्राफरों ने मीडिया से चर्चा करके बताया कि जिले में छायाचित्र प्रतियोगिता का आयोजन संस्कृति विभाग और जिला जनसंपर्क कार्यालय के तत्वावधान में रखा गया था, जिसमें 1 नवंबर को आए परिणाम से पता चला कि चयनित प्रतिभागियों के नियमों को ताक में रखकर पुरस्कार वितरण किया है। इस दौरान मीडिया से रूबरू छायाचित्रकारों का मानना था कि जिले से बाहर के चित्र सहित ड्रोन कैमरे से खींचे गए फोटो प्रतिबंधित है, उसके बावजूद पुरस्कार वितरण में कोताही बरती गई है। वहीं समस्या को लेकर उनका कहना था कि नियमानुसार प्रतियोगिता फिर से आयोजित हो। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। बंदे ने यहाँ पर आए हैं जनसुनवाई में, क्या मामला है ये पूरा? मामला ये है कि कुछ दिनों पहले फोटोग्राफी का प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें नियम विरुद्ध सारे काम किए गए। पहला तो जिले से बाहर वाली फ़ोटो को प्रथम स्थान दिया गया। सेकंड, ड्रोन की फ़ोटो अलाउ नहीं थी, उसके बावजूद भी फ़ोटो को सेकंड दिया गया है। तब कुल मिला के जो देखा जाए तो पूरे इस प्रतियोगिता में केवल झोलझाल था, नियमों के विरुद्ध हुई पूरी प्रतियोगिता। नियमों के विरुद्ध। आप क्या चाहते हैं आप लोग? हम कलेक्टर से मांग करते हैं कि इसके पुनः चयन किया जाए। क्या जिला स्तरीय की? हाँ, ये जिला स्तरीय था। इसमें नियम था कि खरगोन जिले के फोटो मान्य है, जबकि इसमें महू तहसील के इंदौर जिले के फोटो को प्रथम स्थान दिया गया है। क्या नाम आपका? विनोद बोले, फोटोग्राफर एसोसिएशन अध्यक्ष। जनसंपर्क द्वारा जो फोटोग्राफी का प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, इसमें पूरी तरीके से फर्जीवाड़े में नियमों को विरुद्ध रखते हुए सारे डिसीजन जो भी दिए वो गलत दिए, और हम ये इसकी शिकायत लोकायुक्त को भी दी जाए। क्या चाहते हैं आप लोग? जो निर्णय हुए हैं वो पूरी तरीके से फिर से निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए और प्रतियोगिता फिर से आयोजित की जाए। प्रतियोगिता कहाँ होती है? ये प्रतियोगिता पूरे जिले के फोटोग्राफर के फोटोग्राफ मांगी गई थी, और जिनकी इमेज क्वालिटी जो भी नियमों में दिया गया था वो बताई जा रही है कि जिसमें आज तारीख में जो भी फोटो विनिंग हुई है उसमें अभी तक ऐसी कोई सी फ़ोटो में वो क्वालिटी भी नहीं मिली है। पूरी एडिटिंग वाली फ़ोटो, ड्रोन फोटो, ये दोनों चीज़ें दी गई, और जो फोटोग्राफ को विनिंग करना था वो जो चयनित थे उनके भी मालूम भी नहीं है कि उनको क्या है। ड्रोन से फ़ोटो खींचना, एडिटिंग करना, ये सब नियमों में था या नहीं था? नहीं था, नहीं था। तो नियमों विरुद्ध हुई है प्रतियोगिता, पूरे फर्जीवाड़े में हुई है। खुली बात में साठ गांठ का भी हाँ हो सकता है कि मेरे संबंध ऐसे वैसे संबंधों से भी बन गई है फोटो। पिछले दिनों प्रशासन द्वारा पर्यटन विभाग की तरफ से फोटो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था 2019 के हिसाब से, उसमें बहुत सारे नियमों का सही तरीके से पालन नहीं हुआ है। तो चूँकि हमारा संगठन फोटोग्राफर कल्याण संगठन खरगोन से जो कि पंजीकृत है, हमने उसमें आपत्ति ली है कि जितने भी नियम विभाग की तरफ से दिए गए उनका पालन विभाग ने स्वयं ने नहीं किया है। इस विरुद्ध हम लोग इसके खिलाफ आयोजित ज्ञापन देने जिलाधीश महोदय के पास में आए थे। किस विभाग के खिलाफ? पर्यटन एवं जिला जनसंपर्क विभाग के लिए। जिला जनसंपर्क से जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसमें क्या ड्रोन वाला मामला था क्या? इसमें बहुत सारे नियम थे वैसे देखा जाए तो। इसमें पहला कारण था जिसमें जाम गेट को प्रथम पुरस्कार दिया गया था, जबकि नियमों में यह था कि खरगोन जिले से संबंधित ही प्रतियोगिता थी, लेकिन जाम गेट इंदौर जिले के अंतर्गत आता है, ये प्रथम पुरस्कार गया। दूसरा जो पुरस्कार दिया गया महेश्वर नर्मदा नदी के बीच की फोटो थी, उसको एडिट करके लिया गया फोटो है, जबकि ड्रोन की फोटो मान्य नहीं की गई थी। उसके बाद भी द्वितीय पुरस्कार दिया गया सांतरा पुरस्कार में उनकी फोटो ली गई जिसमें एडिट करके दिया गया था, लेकिन वो भी नियम के विरुद्ध है। और एक ही व्यक्ति को 2 पुरस्कार दिए गए वो भी सही नहीं था, साथ साथ में जो चयन करता थे वो भी अनुभवी लोग इसमें नहीं थे। कुल मिलाकर पूरी प्रतियोगिता ही नियमों के विरुद्ध जाकर और अनायास ही गलत तरीके से पुरस्कारों को वितरण किया गया। अब क्या मांग करते हैं? पूरा संगठन करे, क्या मांग करते हो? फोटोग्राफर कल्याण संगठन खरगोन सभी सदस्यों के साथ में मांग करता है कि दिए गए जो भी पुरस्कार है उनकी जाँच करके बाद जो वास्तविकता है उनको पुरस्कृत किया जाए। क्या शुभ नाम आपका? अरुण राव मांडे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।